देखो अभी एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं सकता, लेकिन 4-5 दिन और लग जाएंगे। तब तक अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल मेरे लिए आए तो घर पर इन्फॉर्म कर देना। ओके, या थैंक यू। हाय हाय, आओ। मुझे नहीं आना चाहिए था। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही? मैंने ऐसा क्या कहा? तुम्हारे बर्फ से भी ठंडे हालों ने कह दिया। इस वक्त अगर तुम्हारा ठंडा सा हालो गरम गरम चाय में भी मिला दिया जाए तो वो चाय भी ब्राउन कलर की बर्फ बन जाएगी। प्लीज मेधा, प्लीज, इन दिनों मेरे आवाज के सरों की सफाई मत मांगो तुम। ऐसा तो पिछले 2 सालों से चल रहा है ऋषभ, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब तुमने मेरी भावनाओं को अपनी तरफ से सहलाया। हमारे रिश्ते में गर्मियों का मौसम आता है तो कुछ दिनों के लिए, और सर्दियों का मौसम महीनों महीनों चलता है। मेधा, मैं नहीं जानता कि यह बदनसीबी तुम्हारी है या मेरी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त दाखिल हुई थी जब परेशानियों की आबादी कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले 2 सालों से यही जंग लड़ रहा हूं मैं, और तुम तो उन परेशानियों की चश्मदीद गवा रही हो, फिर भी शिकायत कर। गवाह तो मैं उस बात की भी रही हूं जब हमने 2 साल गवा दिए। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसे थोड़ा सा तो बेहतर बनाकर उस दौर को गुजार सकते थे। और अगर नहीं गुजार पाए तो क्या करें, पछताएं? मैं पछताने की बात तो नहीं कर रही हूं ऋषभ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो आने वाला वक्त है कम से कम उसे तो थोड़ा संभाल सकते हैं। प्लीज मेरा, प्लीज, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक करण के किडनैपिंग का मसला हल ना हो जाए। नथिंग कैन बी डन, ओके? और मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें यहां आना बंद कर देना चाहिए, हमें मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर मुलाकात के बाद तुम्हारे हाथ से दुखी लगता है और तुम्हें जरा दुखी देखकर मैं भी दुखी होता हूं। ठीक है, मैं चली जाती हूं, कम से कम इस बारे तुम्हारा एक दुख तो कम कर सकते हैं। मेधा, मेधा, मत जाओ, मेधा मत जाओ, प्लीज ऋषभ, मुझे किसी एक तरह जीने दो, दोनों तरीकों से नामुमकिन मत बनाओ। तुम्हारी तो आदत है मेरे दिल पर जख्मों को लगाने की, और मैं भी जानते समझते यहां चले आती हूं। सॉरी मेधा, पता नहीं क्यों मैं अपने जख्मों को उठाकर तुम्हारे दिल पर लगा देता हूं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, तुम्हारे बिना रहा भी तो नहीं जाता। Try and understand. कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक ऐसे ही चलने दो। चलो माहौल को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जाए, आज रात को मेरे साथ डिनर पे चलो। तुम्हें दुख पहुंचाने का मुझे पूरा अधिकार है, बोलो है? बोलो ना।